To the latest movie in cinemas. Now, everybody is talking about Chandu Champion. It's an incredible story of dedication, resilience, grit based on the real life of Murli Kant Petkar, whose life started with a simple dream. He just wanted to grow up and win an Olympic gold. But somehow, live events got him to face nine bullets and face severe injuries during the 1965 India-Pakistan War. But despite being wheelchair bound, he did not stop dreaming and went on to win India's first Paralympic gold, and he is now a record holder. His life has been portrayed by Kartik Karian and it's uh, also directed by Kabir Khan, based on the true life of this incredible man. Well, we saw the movie, absolutely loved it, highly ask you to go and watch it and get some inspiration, but also, we got the man, the real Murli Khan paid on the program. We'll introduce him in just a bit, but first up, take a look at this.

आपके सामने अच्छी रखी कार्तिक ने बहुत एक्टिंग किया और मेरे फिल्म में सब एक्टर लोग ओरिजिनल एक्टर लोग ले लिए थे जैसे स्विमर वगैरह जो कोच था इतना अच्छा काम किया कि बस पूछूंगा इसने पूरे मूवी को हैंडलिंग कर दिया जो कोच था उनका जी मुरलिकांत जी मूवी देखकर हमें पता चलता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है बचपन से आता था और जब तक आपको वो अवार्ड रिकन मिल नहीं गया सरकार से तब तक आप पीछे पड़े रहे तो ये सच है जी अभी भी वैसे गुस्सा आते हैं <laughs> दिल, दिल के का अपना जो काम है वो बच्चे कोई सुनाने के तो गुस्सा हैं तो पहले से उसटे नहीं मुरलिकांत जी ये बताइए एक सीन पे बहुत आइकॉनिक मूवी में एक बहुत आइकॉनिक सीन है जहाँ पर पूरे गांव वाले आते हैं आपको मारने के लिए और आपने कोई कपड़े नहीं पहने आप बस अपने जूते पहनकर भागते हैं और भागते भागते ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं ये एक्चुअल में हुआ था आपकी जिंदगी में वो तो छोटा था, था एकदम तो मारने के लिए आदमी लोग आया तो दिन में क्या होता है जो अब मारने के लिए आदमी लोग आ गए ना तो भागना पड़ा ना तो ऐसे जो जो कपड़ा क्योंकि कुश्ती करने के लिए कुश्ती मैदान से मैं भागकर निकल गया ना क्योंकि उन लोग सब मारने के लिए आए थे तो उसी टाइम भाग कर आकर ट्रेन में बैठ गया था वाह सो इट इज़ एक्चुअली ट्रू क्वाइट अ हीरोइक सीन ऑफ देल बट मल्लिकांत जी एक बात बताइए मूवी की शुरुआत होती है आ, आपको जब बहुत गुस्सा आ रहा था भारत सरकार पर आपने जाके बोला कि मैं केस करना चाहता हूँ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट और सिर्फ एक प्रेजिडेंट नहीं जितने सारे अभी तक प्रेजिडेंट गए जिन्होंने आपको अवार्ड नहीं दिया उनके अगेंस्ट ये सच में हुआ था आप पुलिस स्टेशन जाके बैठ गए थे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एफ आई आर करने के लिए हाँ सच्ची कहानी है तो तुम तो प्रेसिडेंट के ऊपर क्योंकि अर्जुन अवार्ड ने क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा वगैरह नहीं है ना तो आप देखो ये जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के, के मुताबिक मैं उसमें सब में फिट है फिट है तो मेरे को तो अर्जुन अवार्ड देना मांगते है ना तो उधर मुझे क्या क्या हो? मैं तो एक तो गोली लगने के बाद वो व्हील चेयर वगैरह में एटी टू में एशियन गेम में प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था प्रेम मिनिस्टर के सामने वो मेरे को सबसे बड़ा होटल में दो दिन तीन दिन के के लिए रख दे और बोल दे कि तुम ऐसे लीटर mm. दे तो mm. में देखा बाद में उनके सामने डायरेक्ट गया तो मुझे अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए मैं इंडियन आदमी हूँ मैंने स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड किया मैं नहीं दे सकता तो बोला आप किस बात का पड़ता प्रधानमंत्री आप अवार्ड इतना नहीं दे सकते आप तो देश का क्या करे उसी टाइम मेरे को गुस्सा आ गया गुस्सा करके मेरे जो स्पोर्ट्स इसके आगे मैं स्पोर्ट्स नहीं करेगा बोलकर चेंज होकर डायरेक्ट घर में आ गया उस दिन से शुरू एटी टू में स्पोर्ट्स बंद करके और अपना टाटा कंपनी में पीआर ओवर कर सर्विस करवा और उसी दौरान में जो हैंडी आदमी लोग थे उनको मैं ट्रेनिंग देता था टाटा कंपनी का, का टीम खेलने के लिए बैडमिंटन स्टेडियम मुंबई वगैरह वहाँ से लेके जाता या yeah, या yeah. सो so, मल्लिकांत जी ये बताइए एक और कहानी है मूवी में जो दिखाई गई है कि आप ऑलमोस्ट आपको गोल्ड मिलने वाला था लेकिन आप जब पहली बार गए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तो जर्नलिस्ट से आप हो गए थे और उसकी वजह से आपके चांसेस चले गए थे एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये बात बड़ी यू नो इंटरेस्टिंग लगी तो क्या ये भी बात सच है ये हुआ आपके साथ बोलने के वो में हो जाते ओके बट अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट ने ही आपके बारे में लिखा आपकी कहानी छापी जिसको भारत सरकार ने जिसका कॉग्निजेंस लेके फाइनली आपको पद्मश्री दिया जो अर्जुन अवार्ड से भी ऊपर है सबने मेरे को हेल्प किया सब कैरेक्टर में वो जी जी मुरलिकांत जी सबसे बड़ी जो बात फिज़िकल लोग कई बार मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए होती है जो 1965 की इंडिया पाकिस्तान आ, की वॉर हुई थी जंग हुई थी उसमें आपको नौ गोलियां लगी एक गोली अभी भी आपके स्पाइन पर है आ, उस समय तो इतने अरेंजमेंट्स भी नहीं थे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं था वो समय हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा था उस समय के लोगों के लिए फ़ौजियों के लिए लड़ाई में तो कुछ सोचने का बात बता है लड़ाई चालू हो गए तो बाकी दूसरा कुछ ख्याल नहीं होता है मैंने सिर्फ दुश्मन को मारना है और मेरा अपना पोजिशन लेता है वो ही ज्यादा खुद को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है ये काम लड़ाई में होता है अभी लड़ाई में लड़ाई में अभी मेरे को गोली लग गया लग गया तो इधर लग गया तो सिलाई मार दिया है आग दूसरा बदली कर दिया है अभी नौ गोली लगा था नौ गोली में से एक स्पाइन में मेरे स्पेन में अभी भी एक गुड़ी है वो तो आपको तो बड़े में बताया तो मुरलिकांत जी लाइफ जब इतने ऑब्स्टिकल्स देती है आपके साथ अलग अलग समय पर अलग अलग जो हुआ मैं और मूवी के बारे में नहीं बताऊंगी दर्शकों को जिन्होंने नहीं देखा है तो आप उन ऑब्स्टिकल से निकल के

दिल से का काम करने जी, बहुत ही, बहुत ही आपने बात दिल से कुछ भी करेंगे तो वो नहीं वो जरूर होएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता पर अब जो आपको ये अवार्ड मिला है जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई करी लोगों का अटेंशन ड्रॉ किया उस अवॉर्ड के बाद इस रेकग्निशन के बाद आप इससे क्या करना चाहते हैं में अभी कुछ नहीं जो आया है वो दिन वो हैप्पीनेस में गुजारने का यही सोच है और जो नए बच्चे लोग का भी जो स्पोर्ट्स में नए उनको मैं कुछ मेरा जो हुनर है वो तो नया आदमी को सिखा करने का इरादा है और बच्चे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है, और हैंडी कैप कोई है उनका हेल्प करके कर आगे पहुँचाने के लिए ये करता और अपना मैंने में, कैसे देश में अपना नाम ऊंचा किया वैसा करने के लिए सबको प्रेरणा होगा जी सो मुरलीकांत जी जाते जाते अगर एक क्वालिटी आपको डिफाइन करनी होती एक वो चीज़ जिसकी वजह से लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आदमी उसे ओवरकम कर सकता है वो एक क्वालिटी क्या होती है देखो तो, लाइफ में मैं कभी भी कोई चीज़ को हासिल करने के लिए जो दिल से करता हूं, तो मुझे वो चीज हासिल हो जाती हाउ सिंपल एंड येट सो यूजफुल एंड येट सो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट थैंक यू मुरलिकांत जी हम इंस्पायर करने के लिए और आपकी इनक्रेडिबल जो लाइफ स्टोरी है uh, वो पूरी निभाने के लिए